गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स का इंग्लिश रेनबो पार्ट टू जो बिहार बोर्ड में पढ़ना है आज, उसका उसका प्रोज में अ पिंच ऑफ सनअप में आज आपका थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास में हम लोगों ने लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन को देखा है हिंदी में, आज उसका थर्ड क्लास है। याद कीजिए 59 पैराग्राफ में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से नानू काकर मिनिस्टर से बात हो रही थी और मिनिस्टर कह रहा था ओल्ड एसपी से बात करने के लिए जो इसके जो मिनिस्टर के लड़का को बाहर जाना है ना, ट्रेड कमिश्नर मतलब व्यवसाय आयुक्त के तौर पर, लेकिन किसी ने उसके लड़के के बारे में उल्टा सीधा उसका कान भर दिया है। तो आगे उस पर क्या बात हो रही है, आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं। आज आपका लास्ट क्लास होगा और इसके बाद जो है आपका और समरी चलेगा, उसके बाद आपका गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप सबके सब क्लास ज्वाइन नहीं किया था तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में लिंक मैंने दे दिया है, आप उस लिंक को जाकर देख लीजिए। या यदि आप प्ले लिस्ट देखते होंगे तो सबका सब प्ले लिस्ट दिया हुआ है, हर प्रोज और पोएट्री का ग्रामर सेक्शन का। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए शुरू करते हैं। देखिए पैराग्राफ नंबर आज 60 में हम लोग शुरू करते हैं। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर डैट, नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस डैट ही वुड राइट टू ओल्ड एच बी। हम लोग बहुत जल्द ही घर छोड़ने वाले थे, तब तक जाते जाते नानू काका ने प्रॉमिस किया कि हम जरूर खत लिखेंगे ओल्ड एच बी को डैट वेरी डे उस दिन, ठीक है फ्रेंड्स। एज वी ड्रॉव अवे बोथ लालाजी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वे आर गोइंग टू हीम फ्रॉम द पोच। जैसे ही हम लोग वहाँ से चल रहे थे, जिस तरह से सेक्रेटरी और लालाजी के सेक्रेटरी झुक झुक कर सलाम कर रहे थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, विदा कर रहे थे, इससे लग रहा था कि कितना हमारे नानू काका का इम्प्रेशन वहाँ जमा हुआ था, ठीक है। नानू काका वाज एक्सट्रीमली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, बट इन द मॉर्निंग ही वाज चर्पिंग अगेन। नानू काका जब वहाँ से लौट के आए तो शाम में किसी से बात नहीं कर रहे थे, जैसे मानो कि बहुत बड़ा शिकार करके आए हैं, उस मिनिस्टर को बुर्वक बना के आए हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आदत आदत होती है फ्रेंड्स, आदत कुछ देर के लिए ठीक रहती है, उसके बाद जैसा है वैसा हो जाता है। अगेन सुबह में ही लगे चरपर चरपर करने, आगे की बात आपको याद कीजिए कि मिनिस्टर से बात करते हुए वेलफेयर मिनिस्टर की बात हुई थी, तो नानू काका ने इनको तो जैसे तैसे उल्टा सीधा कुछ कहकर अपना जो पर्पस था, अपना जो चैलेंज को कंप्लीट करना था मिनिस्टर से तो कर लिया, लेकिन आगे जो वेलफेयर मिनिस्टर उसको भी क्या करना है, उसको भी उससे भी मिलना है और उसको भी चैलेंज देना है कि हम जब चाहे तब मिल सकते हैं। नानू काका का बेसिकली मोटो यही है कि वह जिस मिनिस्टर से चाहे वो मिल सकता है, एकदम बिना किसी पैरवी के, बिना किसी लगाव के, बिना किसी जान पहचान के, वो अपने दम पर, अपने ट्रिकरी दम पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में आप बेसिकली यही चीज़ पढ़ रहे हैं। अब देखिए पेज नंबर पैराग्राफ नंबर 62 कह रहा है, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग। सुबह सुबह चरपर चरपर करने लगे, नानू काका कह रहे हैं कि बेटा हम लोग आज जो है मिनिस्टर्स के घर चल रहे हैं। ही अनाउंस, जोर से उन्होंने अनाउंस किया, नॉट मी प्लीज़ अंकल मान जाइए ना, हमको मत कहिए, आई अपील, मैंने अंकल से अपील किया, ठीक है फ्रेंड्स। ही इन हैंडेड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। जैसे ही बोलने से पहले वो अपने सूंघनी को अपने नाकों तले सूंघ रहे थे और उसी बीच में उनको छींक, है ना, छींक आ गया। एंड बाई दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैड से, और यही कारण है कि शायद उस बात को नहीं समझ पाए, सुन पाए जो मैंने कहा था कि अंकल मैं आज नहीं जाने वाला हूँ कहीं। आगे अंकल बोलते उस बात को भूलते हुए, दिस कार ऑफ योर्स, यह कार तुम्हारी है, टू ओल्ड, छे ये बहुत पुरानी कार हो गई है, इतनी छोटी कार रखते हो, वी विल नीड, है ना, समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। अरे हम लोगों को कुछ और ज़्यादा इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव की ज़रूरत है ना, कुछ और अच्छा चीज़ होने की ज़रूरत है, मैंने कार रखने की ज़रूरत है। यू नोटिस, तुमने देखा हाउ डेट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस, कि किस तरह से सेक्रेटरी हम लोगों को ट्रीट कर रहे थे, है ना, कोल्डली एट फर्स्ट, पहले तो कोल्डली थे। इफ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार वी वुड हैव बीन अ क्वाइट डिफरेंट, अगर हम लोग बड़े कार में जाते हैं तो बिल्कुल हम लोग दूसरे तरीके से दिखेंगे, ठीक है। जब यह सब सुनाते हैं नानू काका, तो लड़का उनका भांजा बोलता है कि अंकल व्हाट अबाउट अ टैक्सी, टैक्सी कैसा रहेगा। अंकल बहुत जो है थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अरे यार तुम बेवकूफ़ हो का, नॉट अ टैक्सी, टैक्सी क्यों, प्राइवेट कार के बारे में सोचो, प्राइवेट कार जिसमें लीवर चफर हो, माने जो उसमें एक जो सामने रहता है
पूरा यूनिफॉर्म पहने रहता है, जैसे कोई उतरता है तो दरवाज़ा खोलता है, गेट खोलता है, गेट को लॉकअप करता है, उस तरह के एक प्राइवेट कार चाहिए। द बिगर द बेटर, जितने बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। नानू काका बात कर रहे हैं अपने भांजे से। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग पैराग्राफ नंबर 67 में पढ़ते हैं, क्या है। आई रिमेंबर डैट एन अक्वांटेंस ऑफ माइन हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस एस्टेट आउटलैंडिश कार डैट वी हैड ओनली बीन ए बिल्ड फॉर ए कोर्ट पोजेशन। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। मैंने एक जान पहचान में मैं एक मोटर कार जो महीने के लिए बेचता है, मैंने नानू काका को याद दिलाया जो बहुत बेहतरीन बेहतरीन कार रखता है, लेकिन वो कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ेगा तब ऐसा होगा। मैंने नानू काका के बारे में, नानू काका को इसके बारे में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, नानू काका जब इस बात को सुनते बोलते डैट्स इट, तो अच्छा ये बात है, वी विल टॉक इट है ना आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ट्रायल करने के लिए उसे कार लेकर। ही सजेस्टेड ब्रिजली, नानू काका ने इस तरह से बात कही। आई एम श्योर यू कुड, आई सेड, मैं बोला कि हाँ हो सकता है हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इफ़ वी लुक लाइक ए जीनियस बाय, लेकिन यह तभी संभव है नाना जी सॉरी मामा जी, कि जब उसको लगे कि हम लोग सचमुच में बहुत बेहतरीन खरीदार हैं। बट वी डू, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा सस्पिशन है। दिज मोटर कार टॉट्स कैन स्मेल रिच मैन अ माइल ऑफ, क्योंकि जो मोटर कार बेचने वाले होते हैं उनके बड़े बड़े दलाल जो होते हैं एक माइल फरके से ही सूंघ लेते हैं कि कौन खरीदने वाला है और कौन बोल तोल करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब बातें हो रही हैं। यू लीव डैट टू मी, ये सब तुम जो है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। नानू काका से, नानू काका बोलते हैं कि वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम सिर्फ मुझे डिटेल्स दे दो। आगे कहते हैं कि आगे भंजा कहता है एंड व्हाट अबाउट दिस लिवर्ड शेफर्ड, आप बताइए तब उसके लिवर्ड शेफर्ड का क्या होगा, मैंने जो ड्राइवर होता है मैंने पूछा। नानू काका कहते हैं अरे क्या बात करते हो, ऑफकोर्स तुम लिवर्ड शेफर्ड हो जाओगे, इतना बेहतरीन मैं तुम्हें बना दूंगा, है ना। ही टुक आउट ही चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज। ध्यान देना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि नानू काका ने कितने हज़ार का चेक जो है दिया था अपने धोबी को। आगे लिखा है क्वेश्चन, उसने क्या किया कि एक नोट चेक बुक निकाला, उसमें से 1000 जो चेक बाउंस कर गया था। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इन टू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हीज, अपने पुराने ओल्ड कोट में जो है उसको फोल्ड करके रख दिया। नाउ कॉल योर धोबी ही टोल्ड मी, अब मेरे मामा जी कहते हैं कि काम करो अपने धोबी को बुलाओ, है ना। मैंने क्या किया, मामा के कहने पर धोबी को बुलाया। आई कॉल्ड द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टूक हिम आउट साइड एंड हैड टॉक विद हिम, और जब आया धोबी तो अंकल उसको ले गए दूसरे साइड और पता नहीं उसको क्या क्या उल्टा सीधा सिखा दिए, ठीक है ना, और उसे बात करके हम लोग चले गए। देन वी ड्रॉव ओवर द सिखा ऑटो डीलर्स एंड नानू काका आस्क इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, है ना। हम लोग चले गए ऑटो सिखा डीलर के यहाँ, नानू काका यही सोच रहे थे कि हम लोग कार को ट्राई करेंगे अगर माइंड में आएगा तो, ठीक है ना, हम लोग ट्राई करेंगे। अब आइए पैराग्राफ नंबर 75 देखते हैं। वी हैड बियरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर वेन द धोबी रस्ट इन टू शॉप होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर। अभी महज हम लोग बड़ी मुश्किल से बात ही कर रहे थे ऑटो सीखा डीलर के मैनेजर से, तब तक ले हम लोग देखे कि भाई उधर से जो धोबी एक हाथ में ओल्ड कोट को लेते हुए लहराते हुए, दूसरे हाथ में उस चेक को ब्रांडिशिंग करते हुए लहराते हुए हाँफते हुए आ रहा है। ओ यू आर हेयर, अरे अंकल आप इधर हैं, ही पेंटेड, जोर जोर से हाँफ रहा था। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस ओ कोट ऑफ योर्स, देखो देखो तुमने क्या छोड़ दिया था अपने कोट में, है ना, इतना लापरवाही। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टोंग सेवरल टाइम्स, नानू काका पहले ही से चाल चल दिया था और उसके हाथ से 1000 का चेक लेकर जोर जोर से कहने लगा, ओ गॉड मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, लापरवाह हूँ, हाउ केयरलेस ऑफ मी, कितना मैं लापरवाह व्यक्ति हूँ। ही सेड आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स बिफोर चेक टू, है ना,
चेक से पहले मैं इस तरह के बहुत बार घटना कर चुका हूँ, कहीं 10,000 कहीं 20,000 ऐसे ही जहाँ जाता हूँ कहीं टेबल पर छूट जाता, इस तरह की बहुत तरह की बातें नानू काका ने किया। एनी वन कुड हैव कैश, हो सकता था कोई भी इसे भजा ले। हेयर माई गुड मैन, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। ही सेड टू द धोबी, हेयर इज अ रिवार्ड फॉर यू, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। चलो अब हम तुमको रिवार्ड देते हैं, पारितोषिक देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। एंड ही गेव हिम 2 रुपीज़ नोट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि रिवार्ड के तौर पर धोबी को नानू काका ने कितने रुपये का नोट दिया था, 2 रुपीज़ नोट। एंड पैट ऑन द बैक, और पीठ पर थपथपाते हुए बोला कि तुम बहुत नेक इंसान हो क्योंकि तुमने ईमानदारी दिखाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, इस तरह से चलबाजी, इसका मतलब मैंने प्रदर्शन, धन के प्रदर्शन के बाद, क्योंकि नानू काका 20 बार से ऊपर कह चुका था कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 छूट जाता है, फट जाता है, गिर जाता है, धुला जाता है। ठीक है ना, अब बेचारा क्या करता है, ड्राइव क्या बोलते हैं ऑटो सीखा, डीलर का जो मैनेजर था सोचा कि बाप रे इतने बड़े आदमी मेरे यहाँ आए हैं, फट द चेयर छोड़ के इनके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेसित हो गया है ना। इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, अब कार को लेना बहुत आसान हो गया। आई ड्रॉफ वेयरिंग ए वाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, मैंने क्या किया कि वाइट जोधपुर कोट पहन लिया और ऑरेंज कलर का पगड़ी बांध लिया। नानू काका सेट रिगेली एट द बैक, नानू काका पीछे बैठ गए। लुकिंग एवरी इंच वाट ही वॉज सपोज टू बी, और एक एक इंच को देखते हुए कि अब वो क्या कर रहे हैं। अ हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, जन्मजात मतलब खानदानी पंडित प्रिंसली स्टेट के, राजकुमार स्टेट के। वी ड्रॉव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मिनिस्टर्स के घर सीधे गाड़ी को ले गए। एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फ्यूज्ड अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मेयरली कॉल फॉर ए विजिटर्स बुक। जैसे ही हम लोग गाड़ी वहाँ ले जाकर खड़ा किए, जो चपरासी थे और जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, चारों तरफ से घेर के हुरदुंग मचाने लगे, कौन आया कौन आया, है ना। इधर नानू काका उन लोगों से मिलने से इनकार कर दिया और बोला कि आप लोग इतना करिए कि विजिटर्स बुक लाइए, मेरा जो पर्पस है मैं उसी में लिख देता हूँ। ओके, तब विजिटर्स बुक मंगाया जा रहा है, देखिए क्या होता है। नानू काका कहता है आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, बस मैं सिर्फ फॉर्मल मीटिंग के लिए आया हूँ, कॉल के लिए आया हूँ, बस ऐसे ही बात करने के लिए। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरा कोई इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर को डिस्टर्ब करूँ। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मल डैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, यह सिर्फ फॉर्मल है, हम लोग पुराने प्रिंसली स्टेट के हैं जो आज भी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। मतलब आज भी यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग आज भी कहीं कहीं ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, यह हम लोगों का लक्षण है। हिज हाइनेस इज ए ग्रेट स्टिकलर फॉर दिज कॉटेज, है ना, इन महारथियों के लिए उनकी महानता एक महान शख्सियत है, इन उन महारथियों के लिए इनकी महानता क्या है, एक महान शख्सियत है। दे ब्रॉड द विजिटर्स बुक, इसी बीच वे लोग विजिटर्स बुक लाते हैं। आई वॉच नानू काका इन एडमायरेशन एज ही रोट हिज नेम विद द फ्लोरिशिंग एंड एडेड, मैं देख रहा था कि आज नानू काका अपने आप में बहुत खुश थे और खुशी खुशी लिख रहे थे हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर द महाराजा ऑफ निनोर, है ना। हेरिडेटरी का मतलब खानदानी एस्ट्रोलॉजर, माने ज्योतिषाचार्य, कहाँ के, महाराजा निनोर के, निनोर के महाराजा के खानदानी ज्योतिषाचार्य यह लिखते हैं। कौन लिखते हैं विजिटर्स बुक में, नानू काका लिखता है, माने एकदम पंडित वाला बुद्धि लगा दिया यहाँ नानू काका। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस, अब देखो ये बेचारा जो है अपना एड्रेस नहीं लिख रहा है, मेरा एड्रेस लिख दिया, हमको और परेशानी होगी कि जहाँ मुझे मेरे बारे में लोगों को पता चला कि फ्रॉड का काम करता है, तो ऐसे ही मेरी जांच चल रही थी, हम भी भीतर चल जाते। लेकिन नानू काका इसके आगे पीछे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है, बस वो करते जा रहा है। विदाउट अनदर वर्ड, नानू काका बिना कुछ बोले, एज दो ही वेयर इन द ट्रीटिंग हरी, जैसे मानो कि वह एक बहुत ही जल्दी में है। ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लाउडली, सीधे कार में बैठ गया और बोला टेक मी द महाराजा सुतकत्ता, है ना, सुतकत्ता पैलेस, मुझे उन मुझे सीधे महाराजा सुतकत्ता पैलेस ले चलो। क्या कारण है, क्यों जाना है, आई हैव टू
रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, मुझे उन तमाम कुंडलियों को पुनः प्राप्त करना है जो मेरे पास थी। एज द कार टर्न आउट ऑफ द गेट आई क्लांस, जैसे ही कार जो है मंत्री के गेट को पार किया, मैं बाहर झांक कर देखा। आई क्लांस्ड बैकवर्ड एंड सॉ अ ह्यूज डार्क खाडर क्लैड फिगर पीकिंग आउट फ्रॉम द अपर स्टोरी विंडो, कि मैं देखा कि खादी कपड़ा पहने हुए एक नेताजी है ना खिड़की के ऊपर से झांक रहे थे, देख रहे थे कि आखिर कौन आया और किस तरह से गया। ओके, वी हैड जस्ट फिनिश द टी, हम लोग घर चले आए, अभी आकर चाय फिनिश ही किए थे। वी वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर व्हेन द कार विद वाइट स्ट्रिंजल स्टॉप फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द हाउस। हम लोग उस बिल्ली को बाहर करने के लिए कुछ चीज़ बनाइए रहे थे कि तब तक ले जो अभी अभी नया बिल्ली के बच्चियाँ आई थी उसको हम लोग बाहर करने के लिए कुछ कर ही रहे थे, तब तक ले चमचमाती हुई वाइट कार हमारे घर के सामने आकर रुकती है। नानू काका वेंट आउट विद अ फोल्डेड हैंड टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी मी, नानू काका अपने हाथ को मुड़ते हुए झाड़ते हुए उस मिनिस्टर को स्वागत करने के लिए जाते हैं जो अभी अभी मिनिस्टर मिलने के लिए आया है। नानू काका लेफ्ट स्टडी, नानू काका यहाँ से कल चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिश, उनकी मिशन कम्प्लीट हुई। आई नेवर फाउंड आउट वाट इट वाज द ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, आज तक मैं नहीं जान पाया कि आखिर नानू काका मिनिस्टर लोग से मिलना क्यों चाहते थे और क्या करना चाहते थे उन लोगों के साथ मिलकर। ऑल्सो आई वंडर वाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवरीज डैट माई अंकल हैज़ नेवर बीन विद इन 100 miles ऑफ प्लेस कॉल्ड निनोर, मुझे ये भी जानकर बड़ी आश्चर्य हुआ कि मिनिस्टर्स ये भी जान जाते तो क्या होता कि महाराजा निन्नौर के पैलेस के 1 किलोमीटर के एरिया में भी कहीं मेरा नानू काका रहता हो, मतलब रहता नहीं था लेकिन ऐसे ही डिंगे हाँक दिया था। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड डैट, यद्यपि मैं यह समझ गया कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ पैलेस, मैं समझ गया था कि नानू काका किसी भी सिचुएशन को डील कर सकता है सिर्फ अपने अंगोछा के फोल्डिंग पर, अपने अंगोछा को घुमावदार एक्टिंग पर, चाहे जिससे भी मिलना चाहे वो मिल सकता है। ओनली वेन इट हैपन्स, सिर्फ यह हो सकता है। आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ दिस रेंज, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं इस रेंज से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से नानू काका डिंगे हाँक कर ट्रिकरी करके जिस मिनिस्टर से चाहा मिल लिया, जिसको चाहा बुलाना अपने घर पर बुला लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते इस क्लास को लाइक कर देंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलने वाला है आगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।